शेरशाह के दो वो आए हमारे साथ, उसे हमने बोला बच्चों को भेजो जरा, बच्चों को पता तो लगे, तो फिर बच्चे अगर इंटरेस्ट जाहिर करते हैं तो स्कूल में शुरू करा देंगे। तो सर के स्कूल में तो 6 साल से हो रही है स्काउटिंग। तो सर आउट बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आसिफ महमूद मिर्ज़ा, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन। ये हमारा सेकंड प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल का स्काउट्स कैंप चल रहा है, जिसमें शेरशाह से 4-5 स्कूल शिरकत कर रहे हैं, जिनमें असुफा एकेडमी प्रोफेशनल स्कूल है, जिसमें शफी टेक्निकल स्कूल है, जिसमें इनोवेटिव है, इनोवेटिव बेकन स्कूल है, बल्दिया टाउन का एक स्कूल है इनोवेटिव बल्दिया टाउन, एक मेट्रोविल का स्कूल है प्रोग्रेस मेट्रोविल का है हम कदम स्कूल है, और ये तकरीबन कमोबेश 120 बच्चे यहाँ पर स्काउट्स मौजूद हैं। और ये 3 रोज़ा कैंप है, जिसका इफ्तिताह कल जुम्मे वाले दिन मगरिब के बाद हमने रात को इसका इफ्तिताह किया। रात को इफ्तिताह होने के बाद बच्चों की बकायदा असम्बली के बाद हमने इनका सबसे पहला मुकाबला टेबलो कंपटीशन था जो कि कराया, जिसमें असुफा एकेडमी ने अव्वल पोजीशन, प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल ने सेकंड पोजीशन और हम कदम स्कूल ने स्वयं पोजीशन हासिल की। उसके बाद रात का इन्होंने खाना खाया, रात का खाना चूँकि आजकल सर्दियाँ हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो रात के खाने के बाद बच्चों को हमने एक मीटिंग की, कल का प्रोग्राम बताया, पूरे प्रोग्राम स्कूल का कैंप का प्रोग्राम बताया। उसके बाद रात को बच्चे सोने के लिए चले गए। आज सुबह बच्चे हसबे मामूल सुबह वक्त पे उठे हैं, बच्चों को हमने सुबह उठाया, नमाज फजर के बाद बच्चों की एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज के बाद बच्चों ने नाश्ता किया है, नाश्ते के बाद बच्चों ने कैंप की सफाई की है, बच्चों ने कैंप की अच्छी तरह सफाई की है, और अभी इंस्पेक्शन हो रही है, और इंस्पेक्शन के बाद इंशाल्लाह हम आज की असम्बली की जानिब जाएंगे। शुक्रिया। बात की है ये था मरासी, ये